गाइस, हम अक्सर जो प्रीमियम कार्स हैं उसमें देखते हैं कि एक आर्मरेस्ट दिया होता है गाड़ी में, ड्राइवर सीट के बगल में एक आर्मरेस्ट होता है जो सेंटर कंसोल के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है और वहां पर हम अपना आर्म रेस्ट कर सकते हैं। और वो गाइस, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो बहुत बहुत कंफर्टेबल होता है। और गाइस, अगर कंपनी का है, मतलब ओईएम पार्ट है, तो इतना रिजिड होता है कि उसके ऊपर आप अपना पूरा वेट डाल सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में है ग्रैंडे पुंटो का आर्मरेस्ट इंस्टॉल, जो है लीनिया का ओईएम पार्ट। ये ओरिजिनल फिएट पार्ट है, तो गाइस इसको किसी भी आफ्टर मार्केट चीप पार्ट के साथ आप कंपेयर ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि गाइस जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है वो जानते हैं कि ये बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का पार्ट है। तो गाइस, आज मैं इसे ही इस वीडियो में इंस्टॉल करने वाला हूं। वेलकम टू विवेक आरजे डॉट डीजल हेड। गाइस, दिस इज योर फ्रेंड विवेक। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारी कार में कंपनी ने आर्मरेस्ट दिया नहीं है, अब हम क्या करें? तो गाइस, इस केस में हम ये कर सकते हैं, कंपनी का जो हायर वेरिएंट आता है, अगर हमारी कार उस कार के साथ पार्ट शेयरिंग करती है, तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कार के हायर वेरिएंट से एक ओईएम पार्ट उठाइए। जैसे मैंने ये मेरी ग्रैंडे पुंटो है, यहाँ पर तो लीनिया में ये पार्ट आता है जिसे आर्मरेस्ट कहते हैं, आर्मरेस्ट। और गाइस, ये मैंने अपनी कार में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। 2012 में जब हमने ये कार ली थी, उसी टाइम 2012 में कार लेने के दो चार दिन बाद ही मैंने आर्मरेस्ट इंस्टॉल कर लिया था। ये देखिए गाइस, ये शायद आपको यहाँ पे ये दिखेगा, है ना, ये एक्चुअली गाइस लास्ट ईयर इस कार में एसी का काम हुआ था और सर्विस सेंटर में किसी ने ये जो मेरा आर्मरेस्ट लगा हुआ था ये तोड़ दिया था। जानबूझ के नहीं तोड़ा होगा, इंस्टॉलेशन या अनइंस्टॉल करते वक्त उससे नहीं समझ में आया होगा कि कैसे इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, और उससे वो टूट गया होगा। और गाइस, कंपनी ने, फिएट ने मेरे को ये आर्मरेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, क्योंकि उनके सर्विस सेंटर में किसी एम्प्लॉय ने ये गलती से टूट गया। तो गाइस, आई अप्रिशिएट द गेस्चर ऑफ फिएट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। और गाइस, आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और गाड़ी में कंफर्ट कैसे इम्प्रूव करना है। तो गाइस देखिए, ये जो ब्रैकेट है ये भी आपको परचेज करना होगा। आर्मरेस्ट के साथ ये ब्रैकेट आएगा और ये आर्मरेस्ट आएगा। तो गाइस, ब्रैकेट ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप ये कवर खोलेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पर कप होल्डर लगा होता है और वो प्लास्टिक वेल्डेड होता है, मतलब प्लास्टिक के टाके लगे होते हैं जिसे कहेंगे, तो उसे प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। और यहाँ से आप उसको यहाँ से टैप करेंगे ना, तोड़ेंगे तो टूट जाएगा और परफेक्ट इस तरीके से निकल के बाहर आ जाएगा। तो गाइस, इसको आप तोड़ लेंगे, जब आप ये कंसोल खोलेंगे, फ्लोर कंसोल खोलेंगे, तो ये इस तरीके से बाहर आएगा और यहाँ से आप कप होल्डर निकाल लेंगे बाहर, या आप इजीली इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे होल्स वगैरह आपको कुछ नहीं करने हैं, सब पहले से किया हुआ है। पीछे यहाँ पर ये जो यहाँ पर नीचे की तरफ दो होल्स हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इस पे आप ये अपना ब्रैकेट टाइट कर देंगे और आगे की तरफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो गया यूज़ करते हुए, 2012 से आज तक मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इन्हीं दो नट्स के ऊपर, इन्हीं दो बोल्ट्स के ऊपर ये टिका हुआ है और गाइस बहुत स्ट्रांग है। अब हम इसमें ब्रैकेट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम ये फ्लोर कंसोल लगाएंगे, ये भी बहुत ईजिली लग जाएगा, जैसे हमने ईजिली निकाला था वैसे ये लग भी जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसको इंस्टॉल करना। आगे की तरफ से आप फ्लोर कंसोल को सेट कर लेंगे, पीछे से जब हम टाइट करेंगे आर्मरेस्ट लगाकर, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो गाइस, यहां पर ये है नया आर्मरेस्ट। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए ये जो ब्रैकेट है इसके साथ इसको मिलाना है और गाइस ये सेट हो जाएगा। इसकी जो बनावट है, जो इसकी माउंटिंग है, वो इस तरीके की है कि इसके ऊपर आके अपने आप सेट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर ये 10mm के बोल्ट्स लगाना शुरू करेंगे। आप ये भी कंपनी से ही ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगे। पूरा टाइट नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम में, एक एक करके तीनों पहले लगा लेंगे, टाइट हम फिर बाद में करेंगे।
ये देखिए लग गया। अब गाइस क्योंकि मेरा जो पुराना आर्मरेस्ट है उस पर जो कवर लगा हुआ है वो मैचिंग का है, तो मैं क्या करूँगा पुराने वाले आर्मरेस्ट को यहाँ से खोल के जो ऊपर का पोर्शन है वो इसमें लगा लूँगा। मीनवाइल जब मैं कवर लगवाऊँगा नए वाले में तब मैं उसे इंस्टॉल कर लूँगा। तो गाइस उस आपने देखा होगा मेरे को मुश्किल से 4-5 मिनट लगे इसे इंस्टॉल करने में, आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि आप पहली बार करेंगे, कई बार मन में डर भी होता है कि इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा। देखिए गाइस हो गया इंस्टॉल, बहुत इजीली लग गया है। और गाइस यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको खाली दिख रहा होगा, उसके लिए आप ये फैशिया खरीद लेंगे सर्विस सेंटर पर, ये भी मिल जाएगा और इसको इस तरीके से लगाएंगे ये अपनी जगह पे आ जाएगा। हो गया गाइस इंस्टॉलेशन। और इसके अलावा एक पार्ट और आता है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये है एसी वेंट जो लीनिया में आता है। तो गाइस लीनिया में तो पीछे डक्ट्स दिए हुए हैं तो ये काम करता है लीनिया के अंदर, बट पुंटो में क्योंकि नहीं दिए हुए तो पुंटो में काम नहीं करेगा। बट गाइस पीछे की तरफ आपका जो पोर्शन है वो इस तरीके से खाली खाली दिखाई देगा, तो वहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए सो दैट कि ये ऑकवर्ड ना दिखाई दे, जब कोई पीछे बैठेगा तो उसको ये ना लगे कि जुगाड़ किया हुआ है। तो गाइस जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरीके से आराम से अंदर घुस जाएगा और ये गाइस सेट हो जाएगा। अब क्योंकि ये टूटा हुआ है, ये पुराना वाला आर्मरेस्ट है तो इस पर थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी क्योंकि ये OEM पार्ट है। तो गाइस इसको भी मैं अपने कार में लगा लेता हूँ। तो गाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और आपने देखा कि इसको इंस्टॉल करना कितना इजी था, हार्डली 2-4 मिनट का टाइम लगता है इसको इंस्टॉलेशन करने में। आपको आता है तो 4-5 मिनट में आप इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं आता है तो मैक्सिमम आधा घंटा लगाएंगे, बट ये इंस्टॉल एक बार हो गया उसके बाद देखिए गाइस मैं इस पर पूरा वेट डाल सकता हूँ। ये देखिए मैं इस पर पूरा वेट डाल सकता हूँ, जो आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट आते हैं उसके आप ऊपर वेट बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, अगर वेट डाला आपने तो वो तुरंत टूट जाएगा। और गाइस ये देखिए मैंने पूरा वेट इस पर डाला हुआ है, तो गाइस ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको अपनी कार में इंस्टॉल कर लेते हैं तो गाइस आपकी लाइफ काफी कंफर्टेबल हो जाएगी जब आप ड्राइव करेंगे अपनी पुंटो को, ग्रैंडे पुंटो को या फिर लीनिया के वो वेरिएंट्स जिसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है। और गाइस ये तरीका आप डिट्टो सेम तरीका बाकी गाड़ियों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे फोक्सवैगन में आता है, फोक्सवैगन में पोलो के अंदर आर्मरेस्ट नहीं आता है बट वेंटो के कुछ वेरिएंट्स आते हैं जिसके अंदर आर्मरेस्ट आता है। और अब ये सिर्फ पुंटो पोलो या वेंटो या लीनिया के लिए वैलिड नहीं है, बाकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मार्केट में आती हैं जिसके अंदर इस तरीके के काफ़ी पार्ट्स होते हैं जो कंपनी पार्ट शेयर करती है बट लोअर वेरिएंट्स में इंस्टॉल नहीं करती है, या फिर हैचबैक के हायर वेरिएंट्स में भी इंस्टॉल नहीं करती है, जैसे ग्रैंडे पुंटो ये 90 HP है इसके अंदर आर्मरेस्ट नहीं आता है। टॉप एंड जो वेरिएंट आते थे लीनिया में उसके अंदर आर्मरेस्ट आता था, बट गाइस क्योंकि ये पार्ट शेयरिंग करते हैं दोनों कार्स तो ईजिली उसका आप OEM पार्ट अपनी पुंटो के अंदर या फिर लीनिया के लोअर वेरियंट्स के अंदर ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं और वो मैंने यहाँ पे करके दिखाया भी है, हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय गाइज़।